हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे मटन। पहले मटन को अच्छे से धो लेती हूँ, अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। मटन बनाने के लिए ले लिया एक कढ़ाई, इसी में डाल देंगे 2 मीडियम साइज का प्याज कट कर लिया है। ऐसे सिंपल तरीका से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आएगा। आप डाल देंगे मटन, मटन इसमें डाल दिया है। पहले प्याज डाला, उसके बाद मटन डाला। अब डाल देंगे टमाटर, 2 मीडियम साइज का टमाटर भी लिया, एक खड़े मसाला, एक बड़ा इलायची, 2 हरा इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 3-4 लौंग। आप डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच करीब भर के। आप डाल देंगे 2 तेजपत्ता। आप डालेंगे मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, ये सारे चीज़ें इसी में डाल देती हूँ। बहुत ही कम मसाला लगेगा, बहुत ही टेस्टिंग होगा। आप डालेंगे सरसों का तेल, सरसों का तेल ही जरूर डालना। आप चाहे तो सादा तेल डाल सकते हो, सरसों का तेल में ही मज़ा ज़्यादा होता है। थोड़ा सा तेल, आप इसको हाथ से मल लेंगे, इसको हाथ से अच्छी से। सारी मसाला इसका अंदर घुस भी जाएगा और बहुत ही टेस्टिंग भी होगा। अब चलिए चूल्हा में बिठा देंगे। दोस्तों और खुल के देखती हूँ, इसको बीच बीच में इसको 2-3 बार अच्छी से चलाया है। आप देख सकते हो जो मटन का जो पानी है ये भी सूख गया है। इस तरह से बनाने से बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, और बहुत ही मसाला कम डाला है। ज़्यादा मसाला डालने से कड़वा हो जाता है। आप इसमें डाला जाएगा गरम मसाला, वो भी घर का बहुत ही अच्छा एक गरम मसाला। मसाला का रेसिपी मेरा चैनल पर है, अगर चाहिए तो मेरा चैनल खोल के देख लेना। देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही अच्छा बना है। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा पानी, ताकि गोश्त गलने में अगर थोड़ा कमी रह जाए, और आपका सालन खाने का मन करे तो आपका हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हो। अब इसमें डाल देंगे 1 कप पानी, और हाफ कप पानी डालेंगे। 1 कप डाल दिया है, हाफ कप डालेंगे इसलिए अगर गोश्त गलने में अगर कमी रह जाए तो गल भी जाएगा, थोड़ा सालन भी रह जाएगा, थोड़ा सुरा। आप डाल देंगे हरा मिर्च, 3-4 बीज से इसको बीज से फाड़ लिया है, इस तरह से दे देंगे खड़ा हुआ, और 3-4 साबुत। इसमें हरा मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा खाने में,
जरूर डालना होगा। तो अब डाल दें इसको ढककर, 10 मिनट पकाएंगे, उसके बाद गरम मसाला डालेंगे। खोल के देखती हूँ। अब इसमें डालेंगे मेरा घर का गरम मसाला, बहुत ही खुशबूदार टेस्टी। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, 1 चम्मच हरा धनिया। सब्जी हमारे बन गया है। मटन उधर साइड कर दिया है, वो आराम से 10 मिनट में पक जाएगा। इधर आलू का फ्राई मटन का साथ, चावल का साथ अच्छा लगेगा। आलू फ्राई मटन का सब्जी, और ये आलू फ्राई मेरा हो चुका है, इसको उलट पलट के कर लिया। अब भाजेगा बैंगन और पटल। आलू फ्राई हो चुका है, अब इसको उठा लेंगे। अब इसमें डाल देंगे बैंगन फ्राई के लिए। दोस्तों हमारे मटन बन चुका है इस तरह, आप देख सकते हो। आप चाहे तो साल 19 से भी कम कर सकते हो, मैं थोड़ा रखा है। इस तरह से ही ठीक लगेगा, थोड़ा बहुत तो सुरा होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बनाया परवल आलू बैंगन का फ्राई और मटन और थोड़ा सा सलाद खाने के लिए। अब मुझे है खाना थोड़ा सा चावल, एक खीरा, एक टमाटर, एक आलू का भुजिया, एक बैंगन का भुजिया, एक परवल का भुजिया। बहुत ही टेस्टिंग लगेगा इस तरह से खाने में, जरूर एक बार बना के देखना। आप ले लेंगे मटन का सब्जी, आप इसको खाना होगा। बिस्मिल्लाह। बढ़िया टेस्टिंग है। परवल का भुजिया बहुत ही बढ़िया टेस्टिंग है, बैंगन का भुजिया। इसके मटन से भी खा लेती हूँ। रेसिपी अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। खुश रहना, मुस्कुराते रहना। अल्लाह हाफिज़।